से भूसे निकालते हो, इसमें से निकलते चावल। चालू नहीं हो रही गाइस। तो अभी सोजल भाई आपको दिखाएंगे मून वॉक करके करना यार भाई नहीं है। तो दोस्तों अभी अपने सोजल भाई जो कि बर्तन धो रहे हैं, और ये सागर स्कूल से आ चुका है, पेपर है आज कल चल रहे हैं इनके, ये देखिए। और ये जो जुगाड़ कर रखे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइज आज का ब्लॉग शुरू होने जा रहा है, सुबह की 9:30 यानी 10 बजने वाले हैं, और ये हमारे साथ सोजल भाई भी, और देख सकते कितना बड़ा कट्टा लेके जा रहे हैं, इसमें ना आ जाए ज़्यादा गर्व नहीं है लेकिन काफ़ी है इसीलिए। तभी का मौसम देख सकते हैं आप, काफ़ी चारों तरफ बिल्कुल कोहरा ही कोहरा, बिल्कुल ही धूप नहीं है ये देखिए, और लगता है आज पूरा बारिश का मौसम हो रखा है, बिल्कुल आसमान बिल्कुल काला हो रखा है। तो देखते हैं क्या होता है आसमान में, बारिश होती है कि नहीं होती है। तो ये फिलहाल चक्की पे चलते हैं और चक्की ऑन करते हैं और इसका जो नाज है उसको कूटते हैं, और तो उसके बाद चलते हैं ऊपर की तरफ। सो ये अपनी यहाँ पे ये अपना गोलू भाई मनीष हुसैन जी का मकान है, तो यहाँ पे उन्होंने दो दुकान भी डाल रखी, और यहाँ पे अपन ने चक्की डाल दी। अपने सुजल भाई अपनी मदद करते हुए, डेल की उठो देख। हाँ दादा ना नाज मुर्गी अपनी सिस्टम से लाइट आ रखी होगी, लाइट भी आ रखी है, और ये देख ये सोच लो भाई कट्टा दे लिया भाई बराबर अपनी चक्की, आपको पता ही है। सो थोड़ा बहुत धूप भी आ रखी है, कम ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत ठंड भी है ही, उतनी तो है नहीं। तो चलिए पीसते हैं सिस्टम से। अभी अंकित भाई अभी चक्की ऑन कर रहे हैं, ये अपने भूसे का, इसमें से भूसा निकलता है जब हम पीसते हैं, जब हम कूटते हैं इसमें से भूसा निकलते हो, इसमें से निकलते हैं चावल। ये MCV इसको हम ऊपर करेंगे, इसके बाद हो जाएगी स्टार्ट, पहले हम चेक तो कर लेंगे। अब देखो हैं अमीर आवाज नहीं सुनाई देगी आपको, सिर्फ चेकिंग की सुनाई देगी, हाँ लाइट नहीं आना है, मेरे ख्याल से लाइट चली गई। हाँ कब वाले नहीं दिखे नहीं क्या हो गया। तो गाइस पता नहीं क्या हो गया, चक्की पे करंट नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से शायद, क्योंकि यहाँ ये वाली मैंने स्टार्ट करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से, देखता कि कहीं यहाँ से तो नहीं हो रहा। अभी सुजल भाई जा रहा है टूल किट लेने, तो भी सुजल भाई आ गए एकदम टूल किट को लेके, तो अभी चेक करते हैं उसके बाद। सो दोस्तों चक्की तो स्टार्ट हुई नहीं क्योंकि उसका बटन हो गया ख़राब, जिससे मेन लाइन है उसका बटन हो गया ख़राब, उस पर हमको लगानी पड़ेगी अभी MCV। अगर MCV नहीं लगाई तो अभी वो 2-3 बटन और ख़राब कर सकता है, तो इससे अच्छा पहले हम MCV लगा देंगे उस पर और उसके बाद चलाएंगे चक्की। तो अभी बात हो गई है भाई से, तो घनसाली से भेज देंगे बाद। बाकी अपना सिस्टम ऐसा है कि हम मंदिर से होके जाएंगे सीधे ऊपर,
ये अपना नीचे मंदिर है, बढ़िया सा यहाँ पे शिवलिंग है, और ये अपना मंदिर है ही। अपने सास फुजल भाई, उन्होंने नाज ला रखा था कुटाने के लिए, लेकिन नाकामयाब रही इस बार। सोचा था कुटा के सीधा घर ही जाऊँगा, इतनी खुशी, लेकिन क्या करें, थक लग गई से भयंकर की यहाँ नीचे से आते आते। आज भाई की तबीयत ख़राब है ज़रा, चकार दवाई खिलाता हूँ मैं तेरे को, चल चल दवाई एक दिन में। तो आज भाई की तबीयत ख़राब है, इसको दवाई खिलाते हैं बढ़िया से। तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। और ये सोनम है जिसकी शादी हो गई, अब कल्याण मंदिर पर। हेलो, ये दोनों अभी मंदिर जा रहे हैं शिव भगवान जी के दर्शन करने। खुला है रन में यहाँ। सो मेरे अभाव से थोड़ा थोड़ा बारिश की बूंदे भी आ गई। अभी मैंने चिताई, फिर चिताई मैंने चिताया भी तोड़ तोड़ा चिताई। और तो क्या बोला था मैं, आजकल मन का मौसम चेंज हो रहा है, तो आप लोग अपना तबीयत पे आने का ध्यान रखिए सभी लोग, और जुकाम खांसी ना हो, इसके लिए चम्बुजे रहें, हवा ना लगने दे खुद में। तो अभी हम ये देखिए, तब हम पानी पुनी देते से, उसके बाद चलिए। सो अपन लोगों ने इनके पास डाल दिए है घास, तभी चारा खाएंगे बढ़िया ढंग से, खाने में शू होता ये मेरी भाई। ये देख मैं लोगों की भैंसों को वहाँ लकड़ी खिला रहा। तो भी चलते हैं, मिलते आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहे ब्लॉग के साथ, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो अभी सोजल भाई आपको दिखाएंगे मून वॉक करके, चल कार। अब यार भाई कार दो एक चांस करना, करना यार भाई, नहीं है ये किस टेप फड़ने तो जान तो है ना बस। ये क्या है? क्या है मोन मोह किया रे भाई। ये दर्शक देख रहे हो आप, यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। मेरी सारा खेत सरवा लगी। तो अभी सोजल भाई ने दिखाई मून वॉक करके, और ये अभी कोशिश कर रहे हैं, क्या पता हो जाए। तो दोस्तों अभी अपने सोजल भाई जो कि बर्तन धो रहे हैं, और अभी ये खाना बनाने जा रहे हैं, तो इस पर हम बाहर से ये राख लगाएंगे। लगा रखा था, मिटा दिया, सॉरी। क्या था फर? तो दाल सुबह की उबाल रखी थी, तो अभी इस पर रखा था, इसने भाई ने मिटा दिया। अब दाल पकाएंगे, उसके बाद सीधा चढ़ाएंगे क्या। अरे ये सागर स्कूल से आ चुका है, पेपर है आजकल चल रहे हैं इनकी। ये कते में पढ़ दिया यार, तो आठवीं एट्थ क्लास है इसकी, और पेपर देने जा रहा था ये, अब यहीं पे छोड़ रखा उसने। और ये यहाँ पे दाल उबाल दी, और इसके बाद बनाएंगे चावल, और दाल बनाएंगे, और उसके बाद सीधा खाएगा दोनों हाथ से। ये चूल्हा है देख सकते हैं आप, एक एक पीछे एक आगे। शर्मा रही बेचारी, लिया
अपन लोग अब ये खाना बनाएगा तो अपन चलते हैं घर पे और घर पे देखेंगे क्या क्या सिस्टम है। आ रहा हूँ मैं इसमें बलार देने तभी चलते हैं घर। सुजल भाई खाना बना, ये अपना सिस्टम लेके जा रहे हैं खाना बनाने का और हम घर चलते हैं और तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए बने रहे ब्लॉग के साथ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय। सो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आ गया था घर के पास ही, तो क्यों आ रहा भाई बीच में, तो मौसम आज का बिल्कुल ही धुंध मची और बिल्कुल ही धूप नहीं है और यहाँ पर काफ़ी धुंध मची है क्योंकि सामने मैंने बताया था आपको आग लगी है, तो इस वजह से धूप नहीं है। मिलते आपको थोड़ी देर में शाम के टाइम पे, तब तक के लिए बने रहे ब्लॉग के साथ, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर से कर दीजिए और इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बाद में, बाय बाय। सो गाइज अभी शाम हो चुकी है और मैं यहाँ चिक्की भी आ रखा था, किसी का आटा कुटा था तो वो दे दिया। तो अभी जो बारिश का मौसम हुआ था, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी, ये अभी बूंदाबांदी हो रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा बारिश जो कि हो गई थी और मौसम अभी भी बिल्कुल बारिश का, लेकिन इतनी बारिश हुई नहीं जितना मैंने सोचा था कि इतनी बारिश होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हुई और मैं भी सो ही रखा था और सुजल का फ़ोन भी नहीं आया, वो भी शायद सो ही रखा है क्योंकि वो सुबह से कह रहा था कि तबीयत ख़राब है, तो आई थिंक वो भी सो ही रखा होगा। तो करता हूँ उसे कॉल कि क्या सीन है आपका शाम का, और ठंड भी काफ़ी हो रही है और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो दोस्तों अभी मैं सुजल भाई के घर पर पहुँचा हूँ, सुजल भाई लेटे पड़े हैं भाई कमरे पर, ये देखिए और ये जो जुगाड़ कर रखे इन्होंने भाई, ये देखो कैसे लटका रखा चार्जिंग पॉइंट ही। यहाँ अटे जी से लेके वहाँ से लेके यहाँ, और ये देखिए ये कौन से वायर से कनेक्शन दे रखा है, ये टीवी वाले वायर से कनेक्शन दे रखे ऐसे में भाई क्या ही जुगाड़ भाई। तो अभी कैसी है आपकी तबीयत? ठीक ही ठाक है, हरे मजा। तो मैंने खा था सुबह भी कि ये पूजा बाजा के रहे, लेकिन इन्होंने बिना टोपी के घूम रहे थे तो और हवा घुस गई और अभी पूरे पैक हो गए डाकू मंगल सिंह की तरह। तो बाहर का मौसम भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए ओ भाई देखिए बहुत ही प्यारा मौसम, मतलब एकदम बादलों से ढका हुआ आसमान। तो इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति, आपको सुहाना मौसम दिखा के और आशा उम्मीद करता हूँ आप सबों को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और बीच बीच में एक दो दिन छोड़ जाता है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राधे, गुड नाइट सभी लोगों को।